सो फाइनली आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 सीरीज़ के Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन के बारे में। और Redmi Note 11 सीरीज़ सीरियसली बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जैसे कि यार मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था Redmi Note 11 सीरीज़ का कि ये सीरीज़ कब ऑफिशियली कन्फर्म होता है इंडिया में या फिर ये डिसकंटिन्यू होगा, मतलब कोई कन्फर्मेशन नहीं था। पर अब यहाँ पर फाइनली कन्फर्म हो चुका है, Redmi Note 11 सीरीज इंडिया में आने वाला है, बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और इम्प्रूवमेंट इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अमेजिंग मिलने वाला है Redmi Note 10 सीरीज़ से, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज़ में कुछ ऐसे डिसअपॉइंटेड लाइक फ़ीचर्स ऐड किए थे जो बहुत सारे यूज़र्स को ना डिसअपॉइंट कर दिया था। पर फाइनली इस बार Redmi Note 11 सीरीज़ में ना बहुत सारे अच्छे फ़ीचर्स ऐड ऑन किए जाएंगे जो यूज़र्स लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक यहाँ पे ना परफॉर्मेंस के रिगार्डेड बहुत सारे न्यू अपडेट्स है, कैमरा भी बहुत ही अमेजिंग मिलेगा, मतलब बहुत सारे फ़ीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक पोल रखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें रियली में काफ़ी आप लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि यस और नो में आंसर देना है बस आप लोगों को। अगर Redmi Note 11 सीरीज इंडिया के अंदर 15,000 से 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे आएगा तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस प्राइस पॉइंट पे Redmi Note 11 सीरीज़ के लिए? ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट सेक्शन में यस या नो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस फ़ोन के ना परफॉर्मेंस से। रिगार्डेड ऑन लीक्स यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म है कि Redmi Note 11 सीरीज़ का Redmi Note 11 Pro के अंदर Qualcomm Snapdragon 780G का डुअल 5G SoC देखने को मिलेगा, जो 6.0 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस है, जो रियली में काफ़ी अमेजिंग है। और यहाँ पे ना 2.6 GHz का क्लॉक स्पीड एंड यहाँ पे 6GB 128GB 8GB 128GB and 8GB 256GB का टॉप एंड रैम वेरिएंट्स स्टोरेज मिलेगा, मतलब रियली में काफ़ी अमेजिंग इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस भी हम लोगों को काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल रहा। प्लस यार ये फ़ोन ना लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 के साथ आने वाला है। कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म है कि Redmi Note 11 Pro के अंदर एक न्यू कैमरा सेटअप मिलेगा जो क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है। हैज़ अ लुक काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी इन्हांस करने वाला है ये कैमरा। और यहाँ पे प्राइमरी कैमरा मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, सोनी का न्यू सेंसर मिलने वाला है, ऑन द लीक्स यहाँ पे कन्फर्म हुआ है। सेकेंडरी सेंसर यहाँ पे 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और थर्ड कैमरा मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, मतलब यहाँ पे ना हम लोग एक डेडिकेटेड जूमिंग लेंस भी मिल रहा। और यहाँ पे फोर्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग मिलेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे फाइनली अपग्रेड कर दिया गया है, यहाँ पे AI बेस्ड सेल्फी मिलेगा जो 44 मेगापिक्सल का होने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, फाइनली यहाँ पे अपग्रेड किया गया इस फ़ोन के डिस्प्ले में भी, मतलब यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि इस फ़ोन के अंदर हाईएस्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा, जो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा 480Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ। यहाँ पे सुपर एमोलेड पैनल का डिस्प्ले मिलने वाला है, जो रियली में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। और इससे कन्फर्म भी होता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो रियली में काफ़ी फास्ट होने वाला है। ऐसे डिस्प्ले साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है, मतलब 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज़ देखने को मिलेगा फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पे एक सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ओवरऑल कन्फर्म है कि एज होने वाला है, मतलब यार डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व होगा। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का लेटेस्ट प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे कंफर्म हुआ है इस फ़ोन के अंदर 6000 mAh तक का बैटरी मिलेगा। अगर यहाँ पे नो डाउट 5000 mAh का बैटरी भी मिलता है तो ओवरऑल ओके यार, मतलब उतना हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी नहीं चाहिए, पर अगर मिलता है तो सब ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे कंफर्म है कि 100W तक का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। अगर ये चार्जर मिलता है तो हाईएस्ट कैपेसिटी मिलना कंफर्म है। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म है Redmi Note 11 Pro इंडिया के अंदर 15,000 से 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। पर जितना मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है इन 2021, और ईजिली बहुत सारे स्मार्टफोन को कम्प्लीट करने वाला है। तो अगर आप लोग भी वेट कर रहे हो इस फ़ोन के लिए, तो फाइनली ये फ़ोन बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर मिलेगा। अगर हम रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो Redmi Note 10
सीरीज़ को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट बहुत दिन हो चुके हैं और इस फ़ोन के सक्सेसर रेडमी नोट 11 सीरीज़ पे ना वॉकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये फ़ोन बहुत ही जल्दी इंडिया में मिलेगा। एक्सपेक्टेड यहाँ पे कंफर्म किया गया कि अगस्त के फर्स्ट वीक पे या फिर एंड तक ये फ़ोन ऑफिशियली मिलेगा। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।